Hi friends, welcome back to my YouTube channel Khan Coaching Classes. Myself Aftab Alam. दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एक लेसन जिसका नाम है ओ कैप्टन माई कैप्टन, जिसे लिखे हैं वाट विटमैन, ए कप्तान मेरे कप्तान, और इसे लिखा कौन है, वाट विटमैन साहब। तो देखिए दोस्तों, मैं चाहूँगा कि यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आगे से आपको कोई समस्या ना आए। तो चलिए दोस्तों, समय न गवाते हुए हम इस लेसन को समझेंगे। इसके पहले के दो पार्ट, पहले के 20 लाइन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। यदि अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब जहाज पर जो कप्तान है जिसे गोली लग जाती है, तो जो वाट विटमैन साहब हैं वो कहते हैं कि हे कप्तान मेरे कप्तान, मेरा कप्तान उठो उठो। लेकिन जब वो जवाब नहीं देता है तो वह फिर कहते हैं हे कप्तान मेरे कप्तान, मेरा कप्तान कोई उत्तर नहीं देता है। उसके जो होंठ हैं बिल्कुल पीले और शांत हो चुके हैं, और मेरे कप्तान को मेरी भुजाओं का एहसास तक नहीं है, और उसकी धड़कनें भी नहीं चल रही हैं। इस समय उसकी कोई इच्छा भी नहीं है, और जो जहाज है वह पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह पर आ चुका है, और इसकी जो समुद्री यात्रा थी वह अब समाप्त हो चुकी है, और जो भयानक यात्रा थी इस जहाज ने उसको जीत लिया है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसलिए हे समुद्र के किनारे खड़े लोगों, खुशियाँ मनाओ, घंटियाँ हे घंटियों तुम लोग बजो। लेकिन मैं दुखी पूर्वक कदमों से यह जहाज की ऊपरी छत पर, जहाँ मेरा कप्तान लेटा है ठंडा और मृत पड़ा है, मैं उस पर दुखी पूर्वक टहल रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, लाइन बाय लाइन समझते हैं। माय कैप्टन डज नॉट आंसर, मेरा कप्तान कोई उत्तर नहीं देता है। हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल, उसके जो होंठ हैं बिल्कुल पीले और शांत हैं। माय फादर डज नॉट फील माय आर्म, मेरे पिता को अर्थात मेरे कप्तान को मेरी भुजाओं का कोई एहसास नहीं है। माय फादर डज नॉट फील एनी माय आर्म, मेरे कप्तान को मेरे भुजाओं का कोई एहसास नहीं है। ही हैज नो पल्स, उसकी धड़कनें काम नहीं कर रही हैं। नारविल, और न ही उसके पास अब कोई इच्छा बची है। द सीफ इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड, और यह जो जहाज है वो सेफ एंड साउंड मीन्स पूर्ण रूप से सुरक्षित, यह जो जहाज है पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह पर आ गई है। इट्स ओइज क्लोज्ड एंड डन, इसकी जो समुद्री यात्रा थी वह समाप्त हो चुकी है। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप द विक्टर सीप, और भयानक यात्रा से यह जो विजयी जहाज है अपने कम्स इन विथ ऑब्जेक्ट ऑन, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, सफलता को प्राप्त कर लिया है। फिर से देख लीजिए दोस्तों, यह जो जहाज है पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह पर आ गई है, इसकी समुद्री जो यात्रा थी वह समाप्त हो चुकी है, और उस भयानक यात्रा से यह विजयी जहाज अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, अर्थात गृह युद्ध समाप्त हो चुका है। एक्सल्ट ओ सोर्स, हे नदी के या हे समुद्र के किनारे खड़े लोगों, एक्सल्ट खुशियाँ मनाओ, एंड रिंग ओ बेल्स, हे घंटियों तुम लोग बजो। बचाई विथ मॉर्नफुल ट्रेड, लेकिन मैं दुखी पूर्वक कदमों के साथ, वॉक द डेक, मैं दुखी पूर्वक कदमों के साथ मेरे कप्तान के साथ जो ठंडा और मृत डेक पर लेटा है उसके साथ मैं दुखी पूर्वक कदमों के साथ क्या कर रहा हूँ, टहल रहा हूँ। आई होप दोस्तों, मुझे लगता है कि पूरा का पूरा वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा, आगे से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आगे से आपको कोई समस्या ना आए, और जितना भी वीडियो नए वीडियो अपलोड हों आगे से सारे वीडियो आपको प्रोवाइड होते रहें। दोस्तों एक बात और, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों, और कमेंट भी करते रहिए दोस्तों। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।